फिट फॉर इंडिया कैंपेन के तहत सीआरपीएफ ने 1 करोड़ किलोमीटर के लक्ष्य को तो कब का पार कर लिया है, परंतु आप जानने को उत्साहित होंगे कि पलामू में नक्सलियों को जमीन सुंघाने वाली 134वीं बटालियन ने अब तक फिट फॉर इंडिया कैंपेन में कितने किलोमीटर की दौड़ लगाई है। तो जानकर हैरान रह जाएंगे कि ना तो ड्यूटी ना ही अभियान, सिर्फ स्वस्थ शरीर के लिए पैदल पांव कमांडेंट अरुण देव शर्मा नेतृत्व वाली 134वीं वाहिनी ने 83,754 किलोमीटर चलकर नया कीर्तिमान बनाया है, जिसमें अंतिम दिन जवानों ने 5640 किलोमीटर की दूरी तय कर शरीर से पसीने ही नहीं बहाए बल्कि फिट इंडिया कैंपेन को बल भी दिया। इस मुहिम के तहत केंद्रीय रिजर्व अर्धसैनिक बल बॉडी फिटनेस के लिए जरूरी सुबह शाम पैदल चलने और दौड़ लगाने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें सीआरपीएफ जवान ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी शामिल रहे। मूल रूप से कहा जाए तो फिट फॉर इंडिया कैंपेन के तहत सिर्फ युवाओं को ही नहीं बल्कि बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पैदल चलने का प्रेरक संदेश दे रही है, जिसमें हर किसी को चलना नितांत आवश्यक है और बीमारियों को दूर करने में कारगर उपाय भी साबित होगा। जो भी हो, तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर के करीब पहुंच 134वीं बटालियन समेत सीआरपीएफ ने 1 करोड़ किलोमीटर का लक्ष्य जो पाया है, वो आने वाले दौर में कीर्तिमान ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए प्रेरित भी करेगा। तो कैपिटल न्यूज भी आपसे अपील करती है कि सुबह तड़के पैदल चलने आप भी परिवार के साथ निकलिए और सीआरपीएफ के अभियान फिट फॉर इंडिया कैंपेन को पलामू में सफलता प्रदान कीजिए।